सरकार ने पद्म पुरस्कार 2020 के लिए नामों की अंतिम सूची की घोषणा की है छह बार की विश्व चैंपियन एमसी सी कॉम और ओलंपिक मेडल जीत चुकी पी.वी सिंधु को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण भारत रत्न और पद्म विभूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसके बाद पद्मश्री मिलता है पद्मश्री पुरस्कार के लिए जिन छह नामों की घोषणा की गई है उनमें क्रिकेटर जहीर खान भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम पी गणेश निशानेबाज जीतू राय भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान ओनम बेमबेम देवी और तीरंदाज तरुणदीप राय शामिल हैं